और अब जो तेजी आएगी वो नॉन स्टॉप आएगी, एकदम फटाफट इंट्राडे भागना चाहिए वैसा, ऐसा बाजार है ना। ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो चलते बाजार में आप लोगों को पैसा मिल सकता है, ये धारणा है। 9950 के लेवल को ध्यान रखिए और ऊपर तो फिर खुली जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब अच्छी खासी तेजी डेवलप हो सकती है एक बार के लिए, लेकिन करेक्शन दे दे के डेवलप होगी वो तेजी। 10,440 और इसका मैजिकल फिगर बन क्या रहा है 10,365, तो सपोर्ट आप लोगों के पास तीन हो जाएंगे, 10,510, 10,440, 10,365। रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं 10,650, 10,735। मुझे थोड़ी तेजी की अपेक्षा ज्यादा है, उसकी एक छोटी सी साइकोलॉजिकल स्टडी बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब 11,160 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट आता है कोई डिसेसिवली और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बाजार वापस से नई ऊंचाइयों पे चलना चालू कर देगा, लेकिन जब तक ये 160 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक ऐसी अपेक्षा करना मूर्खता हो सकती है। हो सकता है कि कुछ दो चार दिनों के लिए बाजार इस लेवल पर एक्यूमुलेट करे 11,000 और एक बार हो सकता है 11,000 का लेवल भी तोड़ दे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि मैजिकल फिगर के आसपास ही घूमता नजर आएगा बाजार। हमारा मैजिकल फिगर भी 11,540 है, तो जब तक 11,540 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार तब तक मंदी नहीं करनी है, 11,540 तक बाजार आने की संभावना होती है। और अगर अब 12,870 को काट देता है तो ये मस्त मौला चलेगा 13,200 के रेंज में, देख रहा हूँ आने वाले समय में हो सकता है 13,200 के आसपास भाव दिखाता हुआ चले। ये 450 के नीचे थोड़ा टफ हो जाएगा और मंडे को जो हमको बाजार देखने को मिलेगा वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। 14,535 के ऊपर जिस दिन भी ट्रेड होना चालू हो गई है उस दिन समझ जाइए नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में 14,535 को क्रॉस करने के बाद 15,000 के लिए तैयारी चालू कर दे। मैजिकल फिगर आज के लिए हमारा मैजिकल फिगर था 14,300 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 14,325 का, यानी कि 25 पॉइंट से मैजिकल फिगर में बढ़ोतरी आई है। बजट के जब बजट चल रहा था, यानी बजट के एक दिन पहले और बजट के दिन भी मैजिकल फिगर था 14,340 का, आज वो मैजिकल फिगर बढ़ के 300 पॉइंट से बढ़ चुका है, मामूली बात नहीं होती है, यानी कि आगे भी तेजी बरकरार रहेगी संकेत दे रहा है बाजार। 11,000 का निफ्टी 15,000 पे आके टिका हुआ है, जब मैं 10,800 पे तेजी बोल रहा था तो पूरी दुनिया कह रही थी बढ़ने की कोई वजह नहीं है, और आज दुनिया वालों के सामने टूटने की कोई वजह नहीं दिख रही है। 700 पॉइंट की रैली निफ्टी की, यानी आज पूरे स्टॉक मार्केट का 99% का मूवमेंट आप लोगों को एक दिन पहले अपडेट कर दिया था, तो आज बड़े दिनों बाद कहने का मन कर रहा है ये होते हैं लेवल्स के कमाल। 460 का पहला सपोर्ट, 14,380 का दूसरा सपोर्ट, 14,670 का पहला रेजिस्टेंस, 14,720 का दूसरा रेजिस्टेंस, 14,850 का मैजिकल फिगर। 14,850 के ऊपर तेजी होगी, 14,850 का ब्रेकआउट पॉइंट हो जाएगा।